मैं स्वाति अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि कोमल स्वरों के आंदोलन संख्या निकालना। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, शुद्ध स्वरों के आंदोलन संख्या कैसे निकालते हैं। आज बात करते हैं कोमल स्वर की। कोमल स्वर के निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16/15 का बोलेंगे, मतलब जिससे हमें निकालना है, और जो इससे पहले की आंदोलन संख्या होगी उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो हमें कोमल रे का निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सा की आंदोलन संख्या जाननी होगी। सा की क्या है, 240 × 16/15। इसको हमने क्या किया, 5 से कट किया, तो मेरा क्या आया, ये 16 × 16 = 256, जिससे मेरी क्या हुई, कोमल रे की आंदोलन संख्या निकली। अब इसके बाद करते हैं कोमल गा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि रे की आंदोलन संख्या जाननी होगी। रे के बाद क्या आता है, कोमल गा, तो क्या है, 270 × 16/15। इसको भी हमने 5 से काट किया, तो हमारा कितना आया, 18 × 16 = 288 हमारी क्या हुई, कोमल गा की आंदोलन संख्या। अब आता है तीव्र माँ, उसके लिए क्या होगा, शुद्ध माँ का हमें आंदोलन संख्या पता हो। शुद्ध माँ की क्या है, 320 × 16/15। इसको हमने भी फिर से 5 से कट किया, तो मेरी ये संख्या आई, और जो कि हम 21.333 × 16 से हमने किया, तो मेरी आंदोलन संख्या 341 × 1/3 आई। ठीक है, अब कोमल धा की, तो उसके लिए पा की आंदोलन संख्या पता होनी चाहिए, कितनी है, 360 × 16/15। इसको हमने डायरेक्टली 15 से कट किया, और हमारा कितना आया, 240 × 16 = 384, जिससे मेरी क्या हुई, कोमल धा की आंदोलन संख्या निकल गई। फिर कोमल ली, हमारे इसके लिए क्या होगा, धा की आंदोलन संख्या पता होनी चाहिए, तो 400 या 405, तो 405 से हमने लिया, × 16/15, जिसकी 27 × 16 = 432, हमारी क्या हुई, ये कोमल ली की आंदोलन संख्या निकल गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब ये हम लोगों ने क्या किया कि शुद्ध तथा हम लोगों ने कोमल स्वरों की आंदोलन संख्या इस तरीके से ज्ञात कर लिया। आपको नहीं याद हो तो आप इस मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।